तो हम बात करेंगे आज स्फेरिकल मिरर्स की। तो नाम से ही जैसा क्लियर है कि स्फेयर्स के साथ इसका रिलेशन होगा, और जब स्फेयर के साथ इसका रिलेशन होगा तो हम एक स्फेयर बना लेते हैं। ठीक है, कोशिश करते हैं स्फेयर बनाने की, तो देखें अगर बन जाए तो क्या बात। ओके, हाँ जी, ये आपका स्पेयर बन गया बेटा। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा लाइट कलर से बनाया है क्योंकि मैं इसमें से अभी अपना मिरर काटूंगा। तो अब इसको जरा मिरर बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इससे पहले एक चीज हम देख लेते हैं इसका। एक मिनट, कोई और एडमिट हो रहा है? एक मिनट, क्लास में। ओके, एडमिट हो जाइए भाई। हाँ, तो ये रहा इसका सेंटर। क्लियर है, ये है आपका स्फेयर का सेंटर। अब देखिएगा, मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ कर ले रहा हूं, आप इसे डायामीटर कह सकते हैं। ये भी मैं लाइट कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। देखते हैं कुछ दिख रहा है, बहुत साफ नहीं दिख रहा होगा बेटा। ओके, ठीक उन्नति आस्किंग, इससे पहले क्या पढ़ा है? बस बेटा यही शुरू हो रहा है, पहला आप जो डायग्राम देख रहे हैं यही बना हुआ है। ठीक है, हाँ जी, तो अनिकेत मुझसे पूछ रहा है कि रिफ्लेक्शन लिखने में कितना टाइम लगा था। ये सब छोड़, पढ़ाई कर ले। ओके, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगा बेटा। ठीक है, तो ये जब आप देखेंगे, अब देखिए क्या होगा, मैं इसको कट कर रहा हूं। इसको आप ऐसे एज्यूम कीजिए कि आपके पास स्फेयर है और इस स्फेयर में से आपने ये एक पोर्शन कट कर लिया है और इसके एक पार्ट को आपने पॉलिश कर दिया। क्लियर, तो आपकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, दिस इज योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये समझ में आ गया बेटा। अब देखिए, दूसरे टाइम पे आपने इसी स्फेयर में से अगर इधर के पार्ट निकाला और इस बार हमने इसकी इनर साइड को पॉलिश कर दिया, ये साइड हमने पॉलिश कर ली। ओके, पॉलिश में आपको एक और मेथड से दिखा देता हूं। ये लीजिए, मैंने इस पे पॉलिश कर दी इस साइड पे। ये क्लियर है सबको बेटा? ओके, तो अब अगर हम देखेंगे, तो ये जो हमारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस हमें दिख रही है, इसके लिए रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर की साइड हो जाएगी। ठीक है, इस मिरर को कहेंगे हम कॉन्वेक्स और इसको कहेंगे कॉनकेव। ये सब आपने पहले पढ़ा हुआ है। ठीक है बेटा, अब इसमें कुछ टर्म्स हैं।
जल्दी जल्दी बनाते भी जाइए और इनको नोट भी करते जाइए। मैं आपको स्केल से दिखा रहा हूं बेटा। सपोज मैंने इसे इस तरह से कट किया था, लाइक दिस, क्लियर है? तो यहां पर जब आप इसको देखेंगे तो मैं थोड़ा द सेंटर पॉइंट इज नोन एज पोल। किसका सेंटर पॉइंट? बेटा ध्यान रखिएगा, पोल है सेंटर ऑफ मिरर। ये कितनों को समझ में आया? दो चीजें, एक स्फीयर का सेंटर है, एक मिरर का सेंटर है बेटा। ओके, अगर आप वो जेम्स वाली बॉटल का ढक्कन अगर खोल लेंगे तो आप देखेंगे उस कैप में एक बिल्कुल सेंटर पे, मेरे हाथ को देखिए, यहां पर एक बिल्कुल सेंटर पे इस तरह से एक स्पॉट दिखाई देगा आपको, जो यहां पर पोल लिखा है मैंने, ऐसा स्पॉट दिखेगा बेटा। दिस इज पोल। यस यस, ओके। तो ये है हमारा पोल एंड दिस ए एंड बी, ये जो डायामीटर है ना बेटा, डायामीटर ए बी, दिस इज नोन एज एपर्चर। क्या कहेंगे इसे? एपर्चर। एपर्चर मींस जितने एरिया से लाइट पास होगी, इस केस में आप कह सकते हैं रिफ्लेक्ट होगी बेटा, ठीक है। यहां पर मैं सी डी लिख दे रहा हूं पॉइंट, तो डायामीटर सी डी इज माय एपर्चर, दिस इज माय एपर्चर, ओके, एंड दिस इज माय पोल। तो पोल और एपर्चर ये क्लियर हो गया, मैं नीचे लिखते चल रहा हूं बेटा। पोल हो गया, एपर्चर हो गया, किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। ओके, नेक्स्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पॉइंट रहा बेटा, सी पॉइंट जिसे हमने कहा है, ओके। सो द रेडियस और सेंटर, सॉरी सेंटर कह लेते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ स्फीयर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये क्लियर हो गया बेटा, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद और आगे चलते हैं, और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद आ जाता है
रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, सी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सी, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज बेटा सीपी, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मैंने आपको दिखा दिया, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, आई एम कॉलिंग इट आर। हां जी, ठीक है बेटा। अब एक पॉइंट और आता है, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। सो ये जो लाइन है बेटा, कौन सी लाइन, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास करती है, द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर इज एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये सब चीजें आपने पहले भी शायद पढ़ी हो। अगर ये समझ में आ रहा है तो मुझे यस नो कुछ लिख के भेज दीजिए बेटा। जेम्स की जो कैप है, जेम्स बॉल जो है, उसकी कैप जो आएगी उससे आप ले सकते हैं इसका एग्जांपल, ओके। इसका जो सेंटर पॉइंट है वो आपका पोल कहलाएगा, बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट है वो पोल कहलाएगा। स्फीयर का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, ठीक है। सीपी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, फिर से एक बार आपको दिखा दूं डिफरेंट कलर से, ये जो डिस्टेंस है बेटा सीपी, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन है आपकी पूरी लाइन, ये जो यहां से पास हो रही है स्ट्रेट लाइन, ये क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। तो प्रिंसिपल एक्सिस भी हो गया। इसके बाद एक टर्म आता है बेटा, इसको थोड़ा सा मैं नेक्स्ट डायग्राम बना के आपको फिर से दिखा रहा हूं, ओके। देखिएगा, ये मेरे पास एक स्फीयर था, इस स्फीयर में से मैंने बेटा इतना पोर्शन कट कर लिया, ये पोर्शन, ठीक है। इसको मैंने पॉलिश करना है तो मैं इसको पॉलिश कर देता हूं आपको, और ये मैंने इसको पॉलिश कर दिया, इस साइड बैक साइड पे पॉलिश कर दिया, ओके। तो जनरली पॉलिश को आप इस वे में दिखाएंगे। नाउ द सेंटर पॉइंट, दिस इज सेंटर, दिस इज नोन एज पोल, दिस सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्लियर है। सीपी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और ये जो लाइन है ये बिल्कुल ऐसे सीधे चलती चली जाएगी बेटा, सीपी वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दीजिए, दिस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। हां जी, आप किसी को डाउट है तो बोले, ठीक। अब एक पॉइंट आएगा, That is known as focus. Clear? तो अगर मैं कोई लाइन, स्केल मैंने निकाल लिया अपना, ठीक है,
कोई लाइन जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है, अगर इस लाइन के कोई इंसिडेंट रे आए, क्या है बेटा, इंसिडेंट रे, अगर कोई इस लाइन के अलोंग, ये लाइन कैसी है, मैं लिख दे रहा हूं नीचे बेटा, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद, आफ्टर रिफ्लेक्शन कट प्रिंसिपल या कट्स प्रिंसिपल एक्सिस एट एफ, ये बेटा यहां से कट करेगी, ये मेरी रिफ्लेक्टेड रे है, रिफ्लेक्टेड रे मैंने डबल एरो से दिखाई है, ये समझ में आया, ओके, ठीक है, बट प्लीज ध्यान रखिएगा, फिर से वही, अभी तो आपका ये चल जाएगा, टेंथ में तो काम चल जाता है, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था ना वो रियल इमेज वाली और वर्चुअल इमेज वाली बात की थी, ठीक है, बट आगे के लिए थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस इज ट्रू फॉर ओनली फॉर स्मॉल एपर्चर, ये जो ऊपर लाइन लिखी है ना, ये रे जो पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के, वो हमेशा कहां से पास होगी, फोकस से, दिस इज ट्रू फॉर स्मॉल एपर्चर मिरर्स ओनली, केवल इसके लिए ट्रू है बेटा, एपर्चर बेटा जहां से आपकी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, ये ए और ये बी, ये है एपर्चर, पूर्णिमा जाक सिंह बड़े में क्या होगा, चलिए बड़े में भी दिखा देते हैं आपको, ठीक है, ज्योमेट्री थोड़ी बहुत आती है, चलिए तो देखते हैं बड़े में क्या होगा, पहले इसको क्लियर कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ये मैंने एक, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा डार्क कलर पे ले लूं बेटा, ठीक है, ओके, ये दिख रहा है आपको, विजिबल है बेटा, ओके वेरी गुड, अब देखिएगा, पहले तो मैं जरा इस बार कलर्स बढ़िया यूज कर रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आए, रेड कलर से मैंने प्रिंसिपल एक्सिस बना दी, ठीक है, ओके, एंड लेट्स से दिस इज माय सेंटर, ये मेरा सेंटर है, ठीक, फिर से मैं ये लाइन ले रहा हूं, अच्छा अब देखिएगा, आपको ये दिख रही होगी स्केल, और मैं आपकी एंगल कितना ले रहा हूं, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री मतलब ये बड़ा हो जाएगा, क्लियर, ये है मेरा नॉर्मल, कितने लोग एग्री कर रहे हैं बेटा, नॉर्मल यही होगा ना, ओके, मेरी चैट गायब हो गई है, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, अर्नब हाँ बेटा, सर्किल में 90 डिग्री कैसे आएगा,
नॉर्मल टू द सरफेस होता है, और मेरी सरफेस कहां है? सरफेस कर्व्ड सरफेस है बेटा, ठीक है। ओके ओके, चलिए एक बार और देखते हैं, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है आपको, एक मिनट रुक जाइए, मैं जरा सी इसको पॉलिश कर दूं पहले। ये ऐसे करके मैंने पॉलिश कर दिया है, ठीक है। तो ये मेरी पॉलिश्ड सरफेस है, ये पॉलिश कर दिया मैंने। अब बेटा यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये एंगल 90 डिग्री है, दिस इज नॉर्मल, सी एन इज नॉर्मल, ठीक। अब मैं इंसिडेंट रे बना रहा हूं, देखें जरा इंसिडेंट रे, ये रही इंसिडेंट रे, और इसको किस कलर से लें, चलिए इस कलर से ले लेते हैं। हाँ जी, एंगल ऑफ इंसिडेंस कोई बताएगा मुझे कितना होगा? हमने दिखाया था आपको, ये एंगल था 45 डिग्री। हाँ जी, जल्दी से ज्योमेट्री लगा दीजिए, ये एंगल भी कितना हो जाएगा बेटा? 45 डिग्री। रे किधर चले जाएगी? हाँ बिल्कुल सही बात है, 45 डिग्री पे ही चले जाएगी, और 45 और 45 मिलके क्या हो जाएगा? 90, ठीक है जी। ओके, तो मैं एक सीधी लाइन ऐसे ले लेता हूं, ये कितनों को समझ में आ गया? आज मेरी चैट गायब हो गई। हां जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, एडमिट ऑल, कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं। हां जी, गुराशीष को आ गया, अर्नब को समझ में नहीं आ रहा है शायद। बेटा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर था, तो ये भी 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री पे घूम जाएगी। अब ये पॉइंट क्या कहलाएगा आपका? एफ, और ये पॉइंट हो जाएगा पोल। आप इस डायग्राम को देख के ही बता सकते हैं सी एफ नॉट इक्वल टू एफ पी। कितने लोगों को समझ में आ गया? ठीक है बेटा, ओके